गिरी जी, समय के अनुसार कला बदलने में चांद को हम लोग अभी तक जानते थे, चंद्रमा हर घड़ी हर पल अपना वो अपनी कलाएं अपना आकार प्रकार बदलता रहता था। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की जो एकाएक स्थिति पलटी है, दो जगह ये चुनाव जीते हैं, और चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है और उसके साथ साथ इनका संगठन इन कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टी, जैसे टीएमसी हो गया वो बंगाल तक लिमिटेड है, नीतीश बाबू पूरा बिहार भी नहीं है, शायद आधा बिहार ही हो क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो कांग्रेस के पास जो ये खोई हुई ताकत जैसे जैसे उसके पास आती जाएगी, उसकी बार्गेन पावर अपने लोगों में, मैं आउटसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरा विपक्ष है उसमें जिसमें कई पार्टियां हैं, अपने लोगों में उसकी जो है पावर, बार्गेन पावर बढ़ती जाएगी। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा रोड़ा जो आपका मुद्दा है वो ये है कि एक तो विपक्ष में हर नेता ने अपने पैरों में बेड़ी खुद डाली है और मौका पड़ने पे अपने सहयोगी के पैरों में भी बेड़ियां डाल देते हैं, उनके लिए बैरियर खड़ा कर देते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये है, केवल विपक्ष ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार जी घूम रहे थे प्राइम मिनिस्टर चेहरा, अब देखिए बैरियर ये भी है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, जब उन्होंने मंच से डिक्लेयर किया कि भाई आप चेहरा होंगे, तो नीतीश कुमार जी बिना कोई जवाब दिए हुए वहां से उठ के चले गए। ये सारे के सारे बैरियर हैं कि एक कॉमन डिसीजन पे ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना, मतलब एक हम लोगों के यहाँ कहावत थी कि हम पाठ करेंगे तो राजा का ही करेंगे, चाहे रामलीला मंडली रहे या ना रहे, यानी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे, चाहे विपक्ष की एकता रहे या ना रहे, विपक्ष एक साथ लड़े या ना लड़े, एक साथ लड़के चुनाव जीते या ना जीते, सबसे बड़ा बैरियर यही है कि राजा कौन है, पहले ये लोग डिसाइड कर लें। जितनी पार्टियां हैं सबके पास अपने अपने राजा हैं और धनुष तोड़ने का धनुष यज्ञ चल रहा है, देखते हैं कौन तोड़ पाता है। पर मिश्रा जी, आप देखें कि लगातार अगर सारे सारी चीज़ों पर ध्यान डालें तो कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिना कांग्रेस के संयुक्त विपक्ष की जो एक कल्पना है वो भी पूरी नहीं होती, ये भी सभी को मालूम है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे कि केजरीवाल जी को शुरू में साथ मिला राहुल गांधी का, लेकिन जैसे ही अध्यादेश पर बात आई तो दिल्ली के अंदर एकदम से हंगामा हो गया। जो दिल्ली कांग्रेस है उसने बोला कि ऐसे हो जाएगा तो यहाँ तो दिल्ली के अंदर हम फिर कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें हम तो विरोध में ही खड़े रहे हैं। ऐसी कुछ स्थितियाँ कर्नाटक के अंदर भी पहले देखिए रही, ऐसी कुछ स्थितियाँ बंगाल के अंदर भी आपने देखी होंगी, ऐसी ही कुछ स्थितियाँ जो बिहार है वहाँ पर भी है। तो ऐसे में कांग्रेस जो दूरी बना रही है, मतलब अभी तो ये कहा जा रहा है कि नहीं समय मांगा गया है, लेकिन हम इसे अगर दूरी के रूप में देखें तो उसके पास तो बहुत एकदम एक ऐसी चीजें हैं, उसके पास एक ताकत बनती दिख रही है। तो ऐसे में क्यों वो वहां पर जाए जहां पर वो खुद एक विरोध के रूप में काम कर रही है? देखिए गिरी जी, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है और मरा हुआ सांप भी कहीं ना कहीं काम करता है। कांग्रेस एक मामले में वाकई में रूलिंग पार्टी थी और कुछ हो या ना हो, लेकिन जितना विस्तार और रीजनल लेवल पे ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है तो वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के पास एक इतिहास भी है बताने के लिए कि हमने पूरे देश पे शासन किया, ये उपलब्धियां रही, ये फेल्योर रहे। बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए और शायद वो आगे भी भविष्य में इतनी इतनी बड़ी उपलब्धि तो वो नहीं कर पाएंगे कि अपने अकेले के दम पे वो पूरे देश पे शासन करें, क्योंकि पार्टी को नेशनल लेवल पे फैलाना बहुत मेहनत और बहुत टीडियस काम है। कांग्रेस भी यहाँ पे जितने जल्दी से जल्दी हो सकेगी अपने खोए हुए रेपुटेशन को प्राप्त करना चाहेगी, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि मरा हुआ हाथी है कांग्रेस इस वक्त, लेकिन वो बार्गेन जबरदस्त करेगी। बार्गेन अब वो सत्ता पक्ष बीजेपी से तो करेगी नहीं, बार्गेन करेगी, एक अलग तरीके का कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो गया है जहां आप अपने सहयोगी को मार करके ही राजा बन सकते हो। ये एक बहुत अलग तरीके का कॉम्पिटिशन है, यही इसी पर यानी बात हो रही है, यही है मिश्रा, सबसे बड़ी जो एक जो पेच है ना जो खुल नहीं रहा, वो शायद यही एक ऐसा पेच है कि कांग्रेस की मजबूरी वही है। नहीं, कांग्रेस 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 की मजबूरी है और इसका कोई सलूशन भी नहीं है। देखिए या तो मरिए या तो कांग्रेस कंप्रोमाइज कर ले कि बड़ा दिल दिखाते हुए चलो भाई इस चुनाव में हमने कंप्रोमाइज कर लिया, हाँ लेकिन चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, मौके बार बार मिलते नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। छोटी पार्टियों की मजबूरी क्या है, टीएमसी, ममता दीदी या इवन समाजवादी पार्टी, सीट कितनी भी आए लेकिन वो कोशिश ये करेंगी कि सबको प्रेशर में लेके प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा नेता बने,
तो ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है यहां पे, कब कौन शहीद हो जाए या शहीद कर दिया जाए कोई भरोसा नहीं रहेगा इसमें। ये बड़ी चीज। हमारे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी। गठबंधन नहीं बनेगा तो भारतीय जनता ए के पार्टी शर्मा को जी, शिकस्त को। जल्दी से जवाब दीजिए, दोनों लोगों को आपने सुना, चंद्रमोहन शर्मा जी को भी आपने सुना। देखिए देखिए जैसे अभी चंद्रमोहन जी, एक बार के एके मिश्रा से ले लेता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, बस एक मिनट में। एके देखिए मिश्रा जरा त्रिपाठी जल्दी से जी अपनी बात रखिएगा बड़े जी। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जेडी जनता दल के। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है ना, कोई खुल के बोलना तो नहीं चाहता है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि जय हर तरीके से हमारी ही हो। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता का कहना यह है कि विपक्ष में और जितनी पार्टियां हैं, बिहार तेलंगाना वगैरह, वो सब मिलके पहले हमारे केजरीवाल को, हमारे केजरीवाल जी की नैया पार लगा दो, तब हम समर्थन देंगे। यही चीज नीतीश कुमार जी भी, मतलब त्रिपाठी जी भी नहीं बोल रहे हमारे यहाँ हैं नहीं, कि भाई हम बाद में देख नो, लेंगे नहीं इनके। साहब, देखिए इनके कहने का मतलब क्या है, चुनाव लड़ मिश्रा लेंगे, जी लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री ये या नहीं था प्रधानमंत्री तो मिश्रा नीतीश जी, कुमार ही नहीं रहेंगे। मिश्रा जी, बड़े महीन बिल्कुल तरीके से इन्होंने असहमति, उस चीज को रख असहमति, दिया, और यही राजनीति है। असहमति, जो देखिए नीतीश कुमार कभी अपने पद और प्रतिभा इन सब चीजों से समझौता नहीं करते हैं, वो कभी नहीं उप करते, नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। अगर वो बनना होता तो इतनी बार, मतलब 4-5 साल के दौरान 2 बार 3-3 बार गठबंधन तोड़ना। तो देखिए एक अनार 100 बीमार, या क्या कहावत बोला जाए कि मुंडे मुंडे मितर भिन्ने, सबके अंदर वो चीज है, वही लालच है, कोई खुल के कहना भी नहीं चाहता। और जैसे ही कोई एक मत होना चाहता है तो हर लोग बोल देते हैं भाई पहले सब मिलके हमारी समस्या को समाधान करो। नीतीश कुमार जी बोलेंगे पहले सब मिलके बिहार में मेरी सरकार अकेले बनवा दो, पहले बोलो लालू यादव जी को कि वो जो है अनकंडीशनल सपोर्ट हमको दे जैसे हम चाहें। तो ये बहुत टिपिकल पेज फंसा हुआ है, यहाँ पे बुद्धिमत्ता देखनी है, और उसके साथ साथ देखना है कितना उदार या विशाल हृदय है विपक्ष के नेताओं का। और उससे भी बड़ी चीज, अगर ये कन्विंस हो जाएंगे तो ये जनता को क्या बोल के कन्विंस करेंगे? क्या केजरीवाल जी तेलंगाना में जाके बोलेंगे कि भाई देखिए हमारा ये प्रॉब्लम है, आप लोग, हम जीतेंगे, तेलंगाना वाले हमें वोट दो तो हम दिल्ली में ये चीज सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व भाई, करेंगे? दोनों मुद्दे ऐसे अलग अलग कन्वीन है, होगा?